नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप लोगों के चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट के तरफ से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, आया हूं एक वीडियो लेकर के। ये वीडियो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित है। आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले मैंने एक बिल्डिंग की प्लानिंग दिया है। अब उस बिल्डिंग की प्लानिंग में रूम वगैरह का अरेंजमेंट दिखाया गया है। फिर उसके बाद में जो है उसमें जो है हमें कितने कलम होंगे, कलम का लोकेशन मैं दिया हूँ एज ए चैप्टर टू। चैप्टर थ्री में हमने कलम का फाउंडेशन का डेप्थ कितना होगा अगर हम सिंपल से लोग फाउंडेशन बनाते हैं तो, और अगर हम आरसीसी बिल्डिंग बनाते हैं तो कलम का डेप्थ कितना होगा वो हमने कैलकुलेट करके दिया है। 2 मीटर आया है कलम के डेप्थ और सिंपल सेल फाउंडेशन का कैलकुलेशन जो है 4 फीट आया है। जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है कि पब्लिक सिंपल सेलो फाउंडेशन लाइक नहीं कर रही है। मोस्टली पब्लिक जो है ज़्यादातर लोग कलम फाउंडेशन का आरसीसी बिल्डिंग ही लाइक करते हैं। तो आरसीसी बिल्डिंग अगर लाइक करते हैं तो उनके लिए उनको कलम बनाना पड़ेगा। अब कलम की फुटिंग का डेप्थ तो हमने दे दिया, आप कटिंग कितना करेंगे, डेप्थ मीन्स उसमें जो दिया हो डेप्थ का मीन्स कि फाउंडेशन से ग्राउंड लेवल से वर्जिन ग्राउंड लेवल से नीचे कितना डीप गड्ढा काटेंगे, कितना डीप करेंगे, लेकिन उस गड्ढे का साइज क्या होगा ये डिपेंड, ये उसमें नहीं दिया है। यही चीज़ आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ये चीज़ डिपेंड करता है कलम के ऊपर कि कलम का साइज क्या है, तो कलम के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके ऊपर उसका कलम का साइज अगर मान लीजिए 10 इंच बाई 10 इंच है, यानी 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर का है, तो उसका फुटिंग कितना बड़ा होगा। फुटिंग जितना बड़ा होगा उसके दोनों तरफ 6-6 इंच का ऑफसेट देना पड़ेगा। तो एक फिट जुटेगा प्लस फुटिंग का साइज जुटेगा, उतना बड़ा गड्ढा काटना पड़ेगा आपको। तो आइए यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। अभी यहाँ आइए, एक कॉलम का हमने सेक्शन ड्रॉ किया है। यह है GL ग्राउंड लेवल, ये देख रहे हैं ये ग्राउंड लेवल है, एक गड्ढा कटा हुआ है। इस गड्ढे का डेप्थ जो 2 मीटर लिया गया है, जैसा कि कैलकुलेट करके आपको दिया गया है, 2 मीटर में से जो उसका नीचे में बॉटम पोर्शन होगा उसमें M15 ग्रेड कंक्रीट या 1H23H26 ग्रेड कंक्रीट 6 इंच मोटा कंक्रीट वहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद इसमें से दोनों तरफ 6-6 इंच का ऑफसेट छोड़कर कलम फुटिंग को उठाया गया है, कलम फुटिंग बनाया गया है। अब यह कलम फुटिंग कितना होगा ये डिपेंड करता है इस कलम के साइज के ऊपर। तो ये चीज़ स्ट्रक्चरल एनालिसिस करके निकाला जाता है। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस करके अगर हम आप लोगों को देने लगे तो आम पब्लिक नहीं समझ पाएगी, क्योंकि सभी लोग इंजीनियर नहीं हैं। बहुत सारे इंजीनियर भी नहीं समझ पाते हैं जो नए आते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ जो पुराने इंजीनियर हैं वो तो भूल ही गए हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस की थियरी को। तो अंदाज पर वो गड्ढा कटवाते हैं, अंदाज पर वो फुटिंग का साइज देते हैं, अंदाज पर वो स्टील देते हैं, बिल्डिंग बन जाती है, यानी ओवर साइज होता है। तो खर्चा ज़्यादा पड़ता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, खर्चे को कंट्रोल करने के लिए, बचाने के लिए आपको ये हमने इस फॉर्म में दिया है कि आप समझ सकें। यहाँ लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ कलम फुटिंग फॉर सेफ बेयरिंग प्रेशर ऑफ 11 मेट्रिक टन पर m स्क्वायर, यानी बिल्डिंग के छत के ऊपर अगर 11 टन पर स्क्वायर मीटर का प्रेशर है तो उसके लिए हमने इसका फाउंडेशन काटने के बाद इस पर कितना बेयरिंग निकल रहा है ये हमने एक टेबल दिया था आपको। नहीं दिया होगा तो आप बोले, आप लोग बताइएगा, आपको कमेंट करके हम भी देंगे कि किस ग्रेड की सॉइल में कितना उसका बेयरिंग कैपेसिटी होता है। यहाँ अगर सेफ बेयरिंग कैपेसिटी 11 मेट्रिक टन होता है और 11 टोनी प्रेशर ऊपर से डेवलप होता है तो उसके लिए ये हमारे कलम कितने बनेंगे।
इसमें कलम नंबर C1, कलम रेफरेंस है कलम नंबर C1। C1 मीन्स 15 इंच सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, यानी कलम का ये जो शेप है ऐसे है, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, यहाँ सरिया हुआ, यह सरिया हुआ, यह सरिया हुआ, ये सरिया हुआ, ये स्ट्रेप्स हो गया। तो अगर इस तरह का साइज 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का कलम है तो वो उसके लिए आपको, यानी 6 इंच बाई 6 इंच का कलम होगा तो उसका जो फुटिंग होगा, डेप्थ ऑफ फुटिंग होगा, डेप्थ मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक, यदि ये हुआ डी, जिसको कहते हैं फुटिंग का डेप्थ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा आपको 36 सेंटीमीटर, मीन्स 15 इंचेज। अब रह गया इसका साइज क्या होगा, तो इसका साइज ये आया है 90 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर और 3 फीट बाई 3 फीट। तो ये ऐसे 3 फीट होगा, फिर वैसे 3 फीट होगा, यानी W इज इक्वल टू 3 फीट आएगा। तो उसके बाद चाहिए कलम C2। अगर कलम C2 जिस कलम का साइज 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, यानी 8 इंच बाई 8 इंच का है, तो उसका जो डेप्थ जो है, ये डेप्थ आएगा आपको 15 इंच, और उसका जो बेस है वो बेस आएगा 105 सेंटीमीटर बाई 105 सेंटीमीटर, मीन्स 3 फीट 6 इंच बाई 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच बाई 3 फीट 6 इंच का होगा। उसमें 6 इंच ये जुट जाएगा, 6 इंच इधर जुट जाएगा, तो यानी टोटल गड्ढे का जो साइज होगा आपको 3 फीट 6 इंचेज प्लस 1 फीट 4 फीट 6 इंचेज होगा। तो अब रह गया आपको, यहाँ पर पता लग गया ये डेप्थ कितना है, और इसको जो है ये कितना आएगा, ये इसको लिया जाता है 9 इंचेज, जितना ये होगा उसका 50%, यानी ये 15%, ये कितना आया है 15 इंच आया, तो ये 7 इंच होगा, 7 इंच नहीं 8 इंच होगा। अगर ये 20 इंच आया, 20 इंच आया है, 20 आता है, तो ये 10 इंच होगा, जितना यहाँ पर होगा उसका 50% ये यहाँ पर थिकनेस होगा। अब आइए कलम C3। C3 कलम का साइज है 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, इंच ए 20 इंचेज बाई 20 इंचेज, उसका डेप्थ जो है, C3 कलम का जो कलम 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, यानी 10 इंचेज बाई 10 इंच का कलम है, 10 इंचेज इंटू 10 इंचेज, तो उसका जो डेप्थ है, ये डेप्थ है, ये हो जाएगा 20 इंच, यानी 1 फीट 8 इंच, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 इंच। और ये जो फुटिंग का साइज होगा, ये होगा डबल हो जाएगा आपका 4 फीट 6 इंचेज, यानी 4 फीट 6 इंचेज बाई 4 फीट 6 इंचेज, अब उसमें 6 इंच इधर जुड़ेंगे, 6 इंच इधर जुड़ेंगे, ये 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा काटना होगा। उसके बाद आइए C4, कलम C4 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर, यानी 12 इंच बाई 12 इंच का अगर कलम है, तो उसका जो कलम का डेप्थ होगा, फुटिंग का जो डेप्थ होगा, ये फुटिंग का डेप्थ ये आ जाएगा आपको 24 इंचेज। तो अगर यहाँ 24 इंचेज आता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 12 इंचेज आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो है बेस, फुटिंग का बेस कितना हुआ, 5 फीट बाई 5 फीट, ये 5 फीट बाई 5 फीट हुआ, और इसमें 1 फीट और जोड़िए ये ऑफसेट, तो 6 फीट बाई 6 फीट का गड्ढा काटना पड़ेगा, 6 फीट बाई 6 फीट बाई 2 मीटर्स, मोटा मोटी 6 फीट वो भी होगा। अब कलम C5 अगर जो कलम का सेक्शन 35 सेंटीमीटर बाई 35 सेंटीमीटर है, यानी 14 इंचेज बाई 14 इंचेज है, तो उसका जो डेप्थ होगा ये कितना होगा, 24 इंचेज। अगर यहाँ 24 हो रहा है, तो ये कितना होगा, 12 इंचेज। और उसका बेस कितना होगा, उसका बेस कितना होगा, 6 फीट बाई 6 फीट, यानी यहाँ से यहाँ 6 फीट और यहाँ से यहाँ, यह आपको 6 इंच 6 इंच 1 फीट, यानी 7 फीट बाई 7 फीट का ये बेस होगा। अब रह गया कि
अगर C1 हम बनाते हैं तो C1 पर 1 story बिल्डिंग हम बना सकते हैं, C2 पर भी C2 पर हम 1 story बिल्डिंग बना सकते हैं, और C3 पर 2 story बिल्डिंग बन सकता है, C4 पर 3 story बिल्डिंग बन सकता है, थ्री और फोर स्टोरेज बिल्डिंग बन सकता है, अप टू 4 story बिल्डिंग बन सकता है, G+3 बिल्डिंग बन सकता है। उसी तरह से C5 यानी 14 inch by 14 inch का कलम यदि है तो उस पर हम 5 story बिल्डिंग आराम से बना सकते हैं, 5 story बिल्डिंग आराम से बना सकते हैं। उसके बाद अगर बनाते हैं तो हमें फिर ये चेंज करना पड़ेगा। अब ये चेंज करने के लिए हमको वो स्ट्रक्चर एनालिसिस करना पड़ेगा या जो जहाँ से ये टेबल मैं रेफर किया हूँ वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से लाना पड़ेगा। ये टेबल मैंने रेफर किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल बुलेटिन 16 में से ये रेफर किया हूँ, और बिल्डिंग डाइजेस्ट IIT रुड़की के बिल्डिंग डाइजेस्ट से ये रेफर किया हूँ। इस संबंध में मैं बता दूं कि लास्ट 10 ईयर से 10 to 12 ईयर से मैं बिल्डिंग में प्राइवेट बिल्डिंग का काम कर रहा हूं, जिसमें करीब 10,000 से ज़्यादा बिल्डिंग का मैं डिज़ाइन दे चुका, और 10,000 से बिल्डिंग ज़्यादा डिज़ाइन देने के बाद कम से कम 7,000 बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट करा दिया हूं। अभी तक बिल्डिंग सब सेफ है, बढ़िया है, डिज़ाइन वगैरह भी बढ़िया लग रहा है। तो ये पर हम कन्फर्म है कि ये टेबल जो है काफ़ी सेफ है, और आप अगर अपनी बिल्डिंग बनाते हैं दोस्तों, अगर आप टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं हैं तो थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए, इस टेबल को समझिए, समझ करके आप खुद काम करा सकते हैं, क्योंकि फील्ड में मैसन होते हैं जो डिसक्वालीफाइड पर्सन है, टेक्निकली उन लोगों को कुछ नहीं जानकारी है, वो अंदाज पर काम करते हैं, और अंदाज पर आपको जहाँ खर्चा पड़ रहा है 2 lakh rupees वहाँ उनका खर्चा हो जाएगा 3 lakh rupees, क्योंकि वो सब कुछ ओवरसाइज करते हैं, उनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक बड़ी बिल्डिंग में देख करके आया कहीं से, बस उसको यहाँ डुप्लीकेट कर दिया, तो इस तरह से बिल्डिंग बन नहीं पाती है, खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है और बीच में ही रुक जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको देख करके लाभान्वित होंगे, समझ जाइए, समझने के बाद आप लाभान्वित हो गए, अपनी बिल्डिंग जब बनाते हैं तो इसको रेफर कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो के साथ में हमारा नंबर दिया रहता है, व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं या फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का रिप्लाई दूंगा, और मैं रिप्लाई दूंगा प्लस आपको फ्री कंसल्टेंसी भी दूंगा, उसमें बताऊँगा कि क्या करना चाहिए। तो इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊँगा वो वीडियो होगा आपका कि इन कॉलम का रिइंफोर्समेंट कैसे होगा, इसमें सरिया यानी स्टील रिइंफोर्समेंट किस फैशन में करना है, कैसे करना है, कितना देना है, कितने डायमीटर का होगा, उसका क्वांटिटी क्या होगा, ये सारा चीज़ उसमें हम क्लियर करेंगे। यहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, घंटों लग जाएगा वो करने में, तो छोटी छोटी वीडियो में आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग एक एक चीज़ समझें और अपने जीवन में इसका उपयोग करें और इसे लाभान्वित हों। तो तब तक इस वीडियो को मैं यहाँ बंद करता हूँ और आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, तब तक के लिए हमें विदा दें, नमस्कार।